हेलो भाई, नमस्कार सभी को। तो इस वीडियो में देखो, हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन फेज 11 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। लेकिन यानी एक्चुअली आपको पोस्ट करने हैं, ठीक है, अपने नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहां से पोस्ट करने हैं सिंपली जाके। तो उसमें A4, पहले तो A4 साइज का आपको जो भी है लिफाफा लेना है उसके लिए, पोस्ट करने के लिए। और उसमें लिफाफे में कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं आपको, सबसे पहले तो देखो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपका जो था वो वाला, अगर नहीं है तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का फोटोकॉपी लगेगी सबकी, ठीक है, ओरिजिनल कुछ सेंड मत कर देना, फोटोकॉपी ओनली, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी, दूसरा अपना ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इस पर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपका मेंशन हो, तो आधार कार्ड फॉर एग्जांपल आधार कार्ड आप सेंड कर सकते हो उसमें फोटोकॉपी। और ध्यान रखना सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने साइन कहीं ना कहीं ये हर पेज पर होने चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद फोटोकॉपी, आपको जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप UR कैटेगरी के हो तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी अदर कैटेगरीज में कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, वो आपको सेंड करना है उसमें रख के। उसके बाद जितने भी आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट है वो सारी, प्लस अपने जो भी अगर डिप्लोमा किया है, स्पेशल कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है जो उसमें मांगी थी उस पोस्ट के लिए और आपने फॉर्म भरा है, तो वो वाली क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी मार्कशीट हो रही है आपकी, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा की जितनी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सारे वो लगा के क्रम से आपको सेंड करने हैं उसमें लगा के, ठीक है। पहले मार्कशीट लगा देना 2, 3, 4 जितनी भी हैं, उसके बाद बीटेक वाले हैं फॉर एग्जांपल। तो अभी ये भी डाउट आ रहा है कि बीटेक वाले भाई डिप्लोमा वाले जो मांगा है वो बीटेक वाले एलिजिबल है या नहीं उसमें, उन पोस्ट में, तो मैं बता दूं भाई अभी ये क्लियरेंस ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कहीं लिखा हो कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, समझो। इंजीनियरिंग है उसमें तो डिप्लोमा मिनिमम 3 इयर्स का मांगा है, तो इंजीनियरिंग वाले भी शायद कंसिडर हो या ना हो, आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा भाई, 5,000 रुपये की वाली बात है, आप पोस्ट करो। और क्योंकि SSC JEE का एग्जाम होता है उसमें एलिजिबल होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो इसमें भी शायद एलिजिबल हो जाए। तो बाकी देखो ये सारी चीज़ें हो गई, इसके अलावा आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और तो कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई है जो आपको उसमें सेंड करनी है। देखो भाई लिफाफे के ऊपर आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है, ऐसे ये A4 साइज़ का लिफाफा होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, और ऐसे करके आप इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख लोगे। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका जो SSC का जो एड्रेस है उस डिपार्टमेंट का, हेड ऑफिस का, साउथ में या नॉर्थ वाला किसी का भी एड्रेस जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। वो आपको एड्रेस कहाँ मिलेगा, आपको वहाँ मिलेगा जो आपको SSC का रिजल्ट आया है उसमें आपको एड्रेस दे रखा है, वरना आप नॉर्मली भी अगर सर्च कर लोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। नॉर्थ में भेजना है नॉर्थ वाले में तो नॉर्थ का मिल जाएगा आपको, साउथ वाले में तो साउथ का मिल जाएगा, ध्यान से वो देख के भरना। और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, जो इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आएगी, मैं एक फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको अपलोड करना है। नीचे अपना फॉर्म करके अपना जो भी खुद का एड्रेस है वो वहाँ पे डालना है, कहाँ से आया है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये आपको ऐसे फिल करना है। केवल यही डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। देखो इतने कम टाइम में मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना आपका टाइम वेस्ट करे, ये सारी चीजें बता दी। अगली वीडियो में मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत।